बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इन पेपर जॉब्स एमसीक्यू यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, हमने एक JEST का पेपर शुरू किया हुआ है और ये इसका पार्ट टू है। इसका पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और इसमें अभी जनरल साइंस के एमसीक्यूज हैं, इसको हल करने की कोशिश करेंगे। कुछ इंग्लिश के एमसीक्यूज हैं, इसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जनरल साइंस के एमसीक्यूज हैं, 71 से शुरू करेंगे और ये 80 तक 90 तक गए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका इसके जो एमसीक्यूज इसमें है, ये इंग्लिश वोकेबलरी इन तीनों के एमसीक्यूज हैं जो कि 45 तक है, ये हल करेंगे। और ये प्रोनाउन प्रीपोजिशन के हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हल करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो करने वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अभी चलते हैं अपने एमएसवर्ड की स्क्रीन पर, वहाँ पर इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम अपने एमएस वर्ड की स्क्रीन पर आ गए हैं और ये JEST का पेपर हुआ है, आज ही हुआ है 13 सितंबर 2021 को। पार्ट वन इसका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस पार्ट में जो है जनरल साइंस के एमसीक्यूज हैं और इंग्लिश की भी एमसीक्यूज है। तो क्वेश्चन नंबर 71 से हल करने की कोशिश करेंगे। तो 71 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको सेटिंग करूँ। 71 नंबर क्वेश्चन है कि यानी व्हाई डज अ पीस ऑफ ब्रेड बिकम वेट व्हेन च्यूड इन डैश एंड इट टेस्ट स्वीट। तो ये च्यू जो होता है कहाँ पर होता है, माउथ में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो माउथ है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है कि विच इज सेक्रेटेड बाई द लीवर एंड स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। तो ये क्या होता है, बाइल होता है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन है कि वेयर केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट। तो केमिकल डाइजेशन जो होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टोमिक से स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फर्टिलाइजर आर यूज टू फिल डैश रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी है, न्यूट्रिएशनल है। तो ये ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन है कि द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड, इंसेक्ट जो यानी कीड़े मकोड़ों की स्टडी को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केन बैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज, ये क्या, इसको क्या कहा जाता है, केन बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्जी कहा जाता है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि पीरियोडिक्स इज इन द पीरियोडिक टेबल्स आर, सॉरी पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल आर। तो ये क्या चीज़ होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, वर्टिकल भी होते हैं, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट फॉर द बॉडी फंक्शन। तो ये क्या, कौन सा होता है, नर्व सिस्टम होता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद यूज ऑफ लिविंग थिंग्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स ETC टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन, इसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इज अब्रिवेशन ऑफ ये DNA का है, ऑप्शन ए इसमें, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑप्टिक पीस ऑफ कर्व ट्रांसपेरेंट ग्लास दैट रिफ्रैक्ट्स द लाइट इन स्पेसिफिक वे, इसका तो इसको लेंस कहा जाता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है कि अ ट्रक हैज टायर्स ऑफ एरिया 3 मीटर स्क्वेयर, इट पुट्स अ प्रेशर ऑफ 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर ऑन द रोड, व्हाट इज द वेट ऑफ ट्रक। तो इसका क्या होगा, वेट ऑफ ट्रक क्या होगा, यानी वेट इक्वल टू फोर्स, तो इसका जो होगा 9000 न्यूटन होगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द कंटेनर ऑफ इनक्लोज्ड केस हीटेड व्हाट विल हैपन इनसाइड द कंटेनर, तो ये क्या होगा, प्रेशर विल बी इंक्रीज, प्रेशर जो होगा ये क्या चीज होगा, ये इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एन इनक्लोज गैस कंटेनर विद मूवेबल पिस्टन इज हीटेड व्हाट विल हैपन, तो ये क्या चीज होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नो इफेक्ट एट ऑल होगा, लेकिन आप इसको कंफर्म कीजिएगा, यहां पर मैंने इस पर श्योर नहीं हूं।
क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ ए गैस एंड प्रेशर। तो इसको ये जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, यानी एक कम होगा तो दूसरा ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MRI और CT स्कैन रिजल्ट फ्रॉम द इमेज एक्सप्लोरिंग ऑफ, तो ये मून की तरह रिजल्ट देता है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में GPS जो है कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी सैटेलाइट्स, तो इसकी कितनी सैटेलाइट्स हैं, ये मोर देन 30 हैं, यानी 32 सैटेलाइट इसकी है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोमेंटम इज इक्वल टू एक्स वेलोसिटी, तो मोमेंटम जो होता है मास ज़र्बे वेलोसिटी होता है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉडी इज साइड टू बी इन डैश इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो ये क्या चीज़ होता है, मोशन होता है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स पर यूनिट एरिया इसका, तो इसको क्या कहते हैं, इसको प्रेशर कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद अभी इंग्लिश की एमसीक्यूज है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये वोकैबुलरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है और इसका आपने इन तीनों लिखना है, इसको आप गौर से पढ़िएगा। अभी हम नीचे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है के द सेंट्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ द फर्टाइल ग्रीन प्लेन्स ऑफ द पंजाब एंड सिंध, तो इसका जो है फर्टाइल जो होता है जरखेज होता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, बैरन होगा, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, बंजर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ गुड समरी इज अ जनरली 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ दैट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, तो ओरिजिनल एक होता है ओरिजिनल यानी हकीकी, एक होता है डुप्लीकेट, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैसरा हर डियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड वाज द हेल्प हर विद द अरेंजमेंट, तो क्लोजेस्ट होता है एक, एक होता है फर्थेस्ट यानी दूर नज़दीक दूर, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नो चेंज सेल सोलिडी तो सॉयल ऑफ लव एंड ब्रेवली, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर ब्रेव होता है बहादुर होता है, तो यहाँ पर होता है वीक या कमजोर को कहते हैं, और ये होता है फ्रेलिटी, तो इसको ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, पार्ट नंबर 2 का, कि अ शॉट इज हार्डली एवन फायर्ड फ्रॉम देन नाउ, तो यहाँ पर हार्डली है तो यहाँ पर क्या लगेगा, फास्टली लगेगा, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड इसके बाद नीचे जो इंस्टीट्यूट है ये किस चीज़ के हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन के, तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगा, और कंप्यूटर के भी उसमें होंगे, तो हमारे साथ रहेगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपनी खास दुआओं में याद कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।